नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में, आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के चुनावी रण की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मुंबा देवी विधानसभा सीट की, जिस पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और उसके बाद ये विधानसभा सीट महाराष्ट्र की हॉट सीट बन गई है। इस सीट पर बीजेपी छोड़कर शिंदे गुट की शिवसेना से शाइना एनसी उम्मीदवार बनी है और इस उलटफेर ने सभी को चौंका दिया। अब शाइना एनसी का मुकाबला 3 बार के विधायक अमीन पटेल से है। दोनों नामांकन दाखिल कर चुके हैं और अपने अपने चुनावी प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। इन सब के बावजूद किसका पलड़ा कितना भारी है और इस विधानसभा सीट का सियासी इतिहास क्या है, आज हॉट सीट बनी है मुंबा देवी। चलिए देखते हैं यहां की रिपोर्ट। हर बार मेरा मार्जिन हमारे जो वोटर है उनके आशीर्वाद से बड़ा है, कभी कम नहीं हुआ है। और इस साल भी मुझको पूरा उम्मीद है कि मेरे जो मतदाता है, मेरे जो सपोर्टर, मेरे वोटर हैं, वो बहुत बड़ी भारी तादाद में मुझको कामयाबी यहाँ से दिला के देंगे। तीन बार आपने एक नेता को मौका दिया, एक बार एक नेत्री को मौका दीजिए और देखिए हमारी स्त्री शक्ति जिस अंदाज से काम करती है पूरे मुंबई में। जिनकी पार्टी का कैरेक्टर ऐसे है वो दूसरे पे इल्जाम लगाए, कमाल की बात हुई। मैं मुंबई की लड़की हूँ, मुंबई की नागरिक हूँ, मुंबईकर हूँ। मुंबा देवी की सियासी लड़ाई बाहरी माल पर क्यों आई? शाइना वर्सेस अमीन पटेल, किसके साथ होगा खेल? अमीन जीतेंगे चौथी बाजी, मुंबा देवी होगा शाइना पर राजी। मुंबा देवी महाराष्ट्र में मंदिर भी है और विधानसभा सीट भी। इस विधानसभा सीट पर हुए बड़े उलटफेर ने इसे हॉट सीट बना दिया। जी हाँ, पिछले 5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उथल पुथल रही, लिहाजा महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के अप्रत्याशित होने का अनुमान तो सभी को था। लेकिन मुंबई के सियासत में सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आया है। पेशे से फैशन डिजाइनर और मुंबई के ग्लैमर वर्ल्ड की चर्चित हस्ती शाइना एनसी शिंदे गुट की शिवसेना के टिकट पर मुंबा देवी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में। शाइना के सामने कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन पटेल हैं। मुंबा देवी सीट से अमीन पटेल 3 बार के विधायक हैं, इसलिए महायुति के उम्मीदवार शाइना के लिए जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। लेकिन कई ऐसे समीकरण हैं जिसने इस सीट को महाराष्ट्र की हॉट सीट बना दिया। मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र का नाम मुंबा देवी जो मंदिर है उसके नाम पे पड़ा है। यहाँ पर फेमस मुंबा देवी मंदिर है। अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव ज़्यादा है। पिछले 3 बार से अमीन पटेल लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बार शिवसेना शिंदे गुट ने बीजेपी की नेत्री शाइना एनसी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है, इसलिए यहाँ पर लड़ाई कठिन हो गई है क्योंकि वो ज़्यादातर महिलाओं की बात करती हैं। अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो इस पूरे इलाके में सबसे बड़ी जो समस्या है वो ट्रैफिक की समस्या है और दूसरी बड़ी समस्या है पुरानी इमारतों की समस्या। पिछले 3 बार से अमीन पटेल यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र की वो जस की तस हैं। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र से जो महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार हैं उनको 40,000 के करीब का लीड मिला था और यहाँ से जो शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार हैं यामिनी जाधव वो काफ़ी पिछड़ गई थी। तो कहीं ना कहीं अभी भी इस पूरे इलाके पर महाविकास अघाड़ी का प्रभाव दिखता है। शाइना एनसी ने अचानक बीजेपी छोड़कर सबको चौंका दिया और शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। अब शाइना और अमीन अपने अपने प्रचार अभियान को धार देने में लग गए। मुंबा देवी विधानसभा दक्षिण मुंबई लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। इस सीट का नाम भले ही मुंबा देवी के नाम पर है, लेकिन मंदिर इस विधानसभा क्षेत्र में नहीं पड़ता। इस सीट के समीकरण कुछ ऐसे हैं जिससे शाइना के लिए राह मुश्किल और अमीन पटेल के लिए राह आसान बनाते हैं। मुंबा देवी विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है, यहाँ 51% मुस्लिम वोटर्स हैं। साथ ही सीट पर बीते 1.5 दशक से अमीन पटेल कांग्रेस से विधायक रहे। इस बार मुंबा देवी सीट पर समाजवादी पार्टी और AIMIM ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे।
इससे मुस्लिम वोट बटने की संभावना कम है। शाइना एनसी कहती है कि उनके लिए चैलेंज कुछ नहीं, उन्होंने पार्टी बदली है लेकिन वो महायुति का हिस्सा है और मुंबा देवी की जनता इस बार एक नेता को नहीं नेत्री को मौका देगी। हमारे साथ मुंबा देवी से शिवसेना के उम्मीदवार साइना एनसी जी हैं। साइना एनसी जी से बात करते हैं। मैडम, आपने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है, सडनली पार्टी चेंज करनी पड़ी उम्मीदवारी के लिए, कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, महायुति के नेतृत्व जो भी बोले हम उसे स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते ये एक संधि मिला है एक महिला नेत्री को। तीन बार आपने एक नेता को मौका दिया, एक बार एक नेत्री को मौका दीजिए और देखिए हमारी स्त्री शक्ति जिस अंदाज से काम करती है पूरे मुंबई में। ये सिर्फ मुंबा देवी का प्रश्न नहीं है, मैं मानती हूँ कि पूरे मुंबई कर के लिए आवाज़ ऐसी बुलंद होनी चाहिए जहाँ काम के साथ साथ नतीजा आपको मिले। हमारे साथ हैं मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र से जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, अमीन पटेल जी, जो लगातार तीन बार से यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, ये बताइए इस बार का चुनाव कितना अलग है और चुनाव के मुकाबले? देखिए, चुनाव की बहुत बड़ी तैयारी मैं कभी करता नहीं हूँ क्योंकि मैं चुनाव जब जीत जाता हूँ तो उसी से दूसरे चुनाव के पाँच साल की बाद की तैयारी शुरू कर देता हूँ और हर बार मेरा मार्जिन हमारे जो वोटर है उनके आशीर्वाद से बड़ा है, कभी कम नहीं हुआ है। और इस साल भी मुझको पूरा उम्मीद है कि मेरे जो मतदाता है, मेरे जो सपोर्टर, मेरे वोटर हैं, वो बहुत बड़ी भारी तादाद में मुझको कामयाबी यहाँ से दिला के देंगे क्योंकि पिछले 15 सालों से तो मैं एमएलए हूँ मगर मैं इस इलाके में जहाँ हम लोग खड़े वहाँ सबसे पहला नगर सेवक मैं यहीं से चुन के आया था। शाइना एनसी अभी तक बीजेपी के प्रवक्ता थे। बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सभी बड़े नेताओं तक सीधी पहुंच रखने वाली शाइना एनसी ने अंतिम वक्त में पार्टी छोड़कर सभी को चौंका दिया। लेकिन शाइना इस बात पर जोर देती हैं कि वो महायुति के उम्मीदवार हैं। शाइना इलाके में जरूरी मुद्दों को गिनाती हैं जिन्हें आगे बढ़ाकर वो जीत की अपनी राह को आसान बनाना चाहती। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? पुरानी बिल्डिंगें बहुत सारी हैं, मुंबा देवी कॉरिडोर की बात चल रही है, क्या क्या मुद्दे हैं आपकी प्रायोरिटी की? देखिए, आप पूरे मुंबई की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्काई इज द लिमिट। आप कोस्टल रोड देखो, मेट्रो देखो, अटल सेतु देखो और जो डेवलपमेंट आपने मुंबई में देखा। अफसोस की बात यह है कि पूरे दक्षिण मुंबई में आज भी मुंबा देवी को लेके बहुत कंजेशन है, बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता है, क्लस्टर रीडेवलपमेंट की आवश्यकता है, कॉरिडोर इज रिक्वायर्ड क्योंकि नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। शाइना एनसी का पक्ष है कि वो और उनके पिता इलाके में लंबे समय से सोशल वर्कर रहे, इसलिए मुंबा देवी उनके लिए नया नहीं, वो इलाके के लोगों की जरूरतों को भी समझती हैं और विकास की जरूरत को भी। अमीन पटेल को कितना बड़ा चैलेंज मानती हैं क्योंकि तीन बार लगातार वो जीत चुके हैं लोकसभा चुनाव में, महाविकास आघाड़ी का लीड यहाँ पर काफी ज्यादा था, तो कितना बड़ा चैलेंज है? मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी तो कभी नहीं करूंगी लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि तीन बार आपने एक पुरुष को, एक नेता को मौका दिया, एक बार एक नेत्री को आजमाइए और देखिए कि उनका काम क्या है, तब आपको पता चलेगा कि कैसे हमने पूरे मुंबा देवी में परिवर्तन लाया। एक तरफ शाइना एनसी है तो दूसरी तरफ अमीन पटेल जो मौजूदा समय में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखते हैं, जिनका मानना है कि उन्होंने बीते डेढ़ दशक में इलाके में काफी काम किया है और काम ही उनकी पहचान है। वो मुंबा देवी विधानसभा में लोगों की समस्याओं से भी अवगत है और इन समस्याओं को दूर करने का प्लान भी बताते हैं। ये एरिया का रीडेवलपमेंट करना है, इसके ऊपर हमने बहुत प्रयास किया है, बहुत ज्यादा प्रयास किया है। सब लैंडलॉर्ड को एक साथ में किया, तकरीबन 800 बिल्डिंगे हैं यहाँ पर और 20,000 से ज़्यादा लोग की आबादी है यहाँ पर, उनको हमने तैयार करके, हमने माडा को अपॉइंट करके इसका रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जो है फाइनल स्टेज पे लेके आए। इलेक्शन खत्म होने के बाद सबसे पहला काम माडा इसका टेंडर कॉल करेगी, टेंडर के डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, बहुत जल्दी ये कमाडीपुरा का एरिया देख रहे हो, यहाँ पर बड़ी बड़ी आलीशान शानदार बिल्डिंगें बनेंगी, लोगों को 500 फुट का घर, जो लोग यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मकान में आप देखोगे रहते हैं कि 50 फुट, 80 फुट, 90 फुट, 100 फुट, जितना लोगों का बाथरूम है उतना ही लोगों के यहाँ पे घर है। हम इसकी हर एक जो टेनेंट है उसको 500 फुट का घर देने का कमिटमेंट है, प्लान पास हो गए, गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है और आने वाले दिनों में इसका रीडेवलपमेंट होगा और लोगों को बहुत अच्छा एरिया, यानी जो मुंबा देवी की जो नाम है, जो शान है, उसी का रीडेवलपमेंट यहाँ पर होगा। मुंबा देवी एक छोटी विधानसभा है
मुंबई में ये इलाका काफी पहले बसा, इसलिए यहाँ पुरानी इमारतें, छोटे घर और तंग गलियां हैं। इसे मिनी इंडिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ देश के हर कोने के लोग रहते हैं। वैसे तो इस सीट पर कड़ी टक्कर है, लेकिन अमीन पटेल के फेवर में जो एक बात जाती है वो ये कि यहाँ का वोट शेयर। मुंबा देवी विधानसभा सीट पर करीब 51% मुस्लिम आबादी है, जबकि 3% जैन है। इसके अलावा अच्छी खासी आबादी मराठी और गुजराती है, क्योंकि पटेल सरनेम गुजरात के हिंदू मुस्लिम दोनों में आता है, इसलिए अमीन पटेल को इसका लाभ मिलता रहा। हालांकि शिंदे सरकार के कुछ योजनाओं का लाभ शाइना को मिल सकता है, जिनमें लाडली योजना भी एक है। इससे महिला वोट बैंक महायुति के प्रत्याशी की तरफ खिसक सकता है। मुंबा देवी विधानसभा के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा है। 3 बार से लगातार यहाँ पर कांग्रेस से अमीन पटेल चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार भी MIM और समाजवादी पार्टी ने मुंबई और महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवार तो उतारे हैं, लेकिन इस इलाके से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, जिसका फायदा अमीन पटेल को हो सकता है। लेकिन अमीन पटेल के सामने इस बार सबसे बड़ी चुनौती साइना एनसी के रूप में है। साइना एनसी का पलड़ा इसलिए भी कम नहीं है क्योंकि साइना एनसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, और इस बार जो सरकार है महायुति सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ी योजना लाई है, जिसे लाडली बहन योजना कहते हैं। मुंबा देवी विधानसभा सीट पर बीते 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो हर बार अमीन पटेल बड़े अंतर से जीत दर्ज करते रहे। साल 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस के अमीन पटेल को 58,952 वोट मिले थे, जबकि अविभाजित शिवसेना के उम्मीदवार पांडुरंग गणपत 35,297 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में अमीन पटेल 39,188 वोट लेकर जीते थे, जबकि बीजेपी के अतुल शाह 30,675 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रह गए थे। इससे पहले साल 2009 के विधानसभा चुनाव में अमीन पटेल ने 45,285 वोट हासिल किए थे, जबकि शिवसेना के अनिल चंद्रकांत 28,646 वोट ही हासिल कर पाए और दूसरे नंबर पर रहे। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी मुंबा देवी विधानसभा का झुकाव महाविकास अघाड़ी की तरफ ही रहा था। मुंबा देवी विधानसभा सीट पर भी महाविकास अघाड़ी को अच्छी खासी लीड मिली थी। शिवसेना UBT के उम्मीदवार अरविंद सावंत को इस इलाके में 40,979 वोट की लीड मिली, यानी महाविकास अघाड़ी को दक्षिण मुंबई की सीट दिलाने में इस विधानसभा सीट का बड़ा योगदान रहा। इस बार भी इस सीट पर वोटर्स का रुझान मिला जुला है। इस वक्त हम मुंबा देवी विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं कि इस बार लोगों का मूड क्या है, किसके किसके बीच टक्कर होने वाली है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रवीण जिट्टा। क्या लग रहा है आपको, किसका माहौल ज़्यादा लग रहा है इस बार? मुझे तो लगता है कि दोनों का टफ होने वाला है। अमीन पटेल का ज़्यादा चांस है। अमीन पटेल का ज़्यादा चांस है। सारे कुछ कर पाएंगे? अभी नया है, अभी 3 साल से तो 3 बार तो अमीन पटेल जीत के आ रहे हैं कंटिन्यू, अभी 4थी बार है उनका। मुझे तो माहौल हमेशा का वही लग रहा है, क्योंकि एक बात बोलूं, क्योंकि इस साल सरकार तो मोदी जी की आने वाली है, और हमेशा बोलूं उन्होंने काम अच्छा किए। चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है आपको? देखिए अमीन पटेल साहब आएगा, क्यों अच्छा काम करता है वो। यहाँ पे क्या क्या समस्या है अगर इस इलाके के बारे में? इस इलाके में सर कोई समस्या नहीं है, अच्छा है, पुलिस का भी कार्रवाई अच्छा है, कोई लफड़ा झगड़ा नहीं है, सब अच्छे है, सब मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। सब गरीब इलाका है, बड़ा कंजेस्टेड। हाँ, गरीब इलाका तो है सर, ज्यादा करके मजदूरी ज्यादा है इधर, मजदूर लोग ज्यादा है। साफ है कि शाइना एनसी के लिए मुंबा देवी की सीट पर जीत की पताका फहरा पाना आसान नहीं। हालांकि यहां के लोगों की अपनी समस्याएं हैं, जिनका वो समाधान चाहते हैं। इनका मानना है कि जो इनकी समस्याओं का हल देगा मुंबा देवी का वोटर, उसकी तरफ जा सकता है। हमारे यहां पे वर्षों से मूलभूत सेवाएं का अभाव रहा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा। हमारे यहाँ कारीगरों का काफ़ी एसिड का काम होता है, तो यहाँ हवा में बहुत दूषित रहती है, खांसी आती है, लोग चलते हुए खांसते हैं। यहाँ पे पानी भी अपूर्ता रहता है, स्वच्छ नहीं रहता है, पार्किंग की समस्या है, हॉकर्स बहुत, अभी हाल फिलहाल में हॉकर्स बहुत बढ़ गए हैं, तो क्या है आना जाना या चलना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या सिक्योरिटी की है। यहाँ पे आए दिन हम देखते हैं लोगों के प्रॉपर्टी, लोगों की जेब कट जाते हैं, लोगों की बैग रहती है, बैग में से पैसा गायब हो जाता है, सबसे बड़ी समस्या है। और उनके साथ मेन कारण है पार्किंग नहीं है, तो पार्किंग आदमी कंफर्टेबल नहीं रहता है,
तो नहीं टू व्हीलर पार सकता, नहीं उसके फोर व्हीलर पार सकता, इस तरह के बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो इसको जब भी इलेक्शन हो तो सब इस बातों का खास ध्यान रखें। मुंबा देवी सीट पर मुख्य मुकाबला शाइना एनसी और तीन बार के विधायक अमीन पटेल के बीच। इस सीट पर 20 नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। नतीजों के बाद पता चलेगा कि मुंबा देवी की पहली पसंद कौन है और यहां के मतदाताओं को सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो मुंबा देवी विधानसभा के हॉट सीट बनने की एक वजह शाइना एनसी पर दिया गया एक बयान भी है। विवादित बयान जो दिया तो उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद की तरफ से, लेकिन इसने महाराष्ट्र की राजनीति का पारा हाई कर दिया और मुंबा देवी सीट को हॉट सीट बना दिया, जिसके बाद सांसद अरविंद सावंत को माफी तक मांगनी पड़ी। ये रिपोर्ट देखिए। आश्चर्य की बात है कि अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं और संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। तो क्या है ऑफिशियल स्टैंड महाविनाश आघाड़ी का? मुंबा देवी में शाइना एनसी के लिए जीत की राह थोड़ी मुश्किल भले ही है, लेकिन राजनीति में नामुमकिन नहीं। कब और कैसे बाजी पलट जाए इसके सटीक आकलन में अक्सर राजनीतिक पंडित भी चूक जाते हैं। राजनीति में बयान मायने रखते हैं और बयानों की अहमियत चुनावी मौसम में कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही मुंबा देवी से उम्मीदवार शाइना एनसी के लिए है, जिन्हें लेकर उद्धव गुट से शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने बयान दिया और उनके इस बयान को संजय राउत ने जायज भी ठहरा दिया। उनकी हालत देखो ना भैया, जिंदगी भर वो भाजपा में रही, अब कहीं नहीं तो इनके दूसरे पार्टी में गई, और ये इम्पोर्टेड नहीं चलता यहाँ, इम्पोर्टेड माल नहीं चलता हमारे यहाँ ओरिजिनल माल चलता है, ओरिजिनल माल है हमारा। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबा देवी में बाहर से आई है, इम्पोर्टेड माल है। अगर इम्पोर्टेड माल है बाहर का, उसमें महिला का अपमान कहां हो? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। अब अरविंद सावंत ने ऐसा बयान क्यों दिया उसकी वजह भी समझ लीजिए, और वजह मुंबा देवी से शाइना एनसी को टिकट मिलना है। शाइना एनसी को मुंबा देवी से शिवसेना शिंदे गुट से टिकट मिला, इसके बाद शाइना एनसी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। अरविंद सावंत ने इसे लेकर तंज कसा, उन्होंने शाइना को बाहरी माल कह दिया। इस पर शाइना ने प्रतिक्रिया दिया, उन्होंने कहा कि वो महिला हैं और माल नहीं है। माल का मतलब है ऑब्जेक्टिफिकेशन, माल का मतलब है कि मैं किसी की प्रॉपर्टी हूं जो मैं नहीं हूं, मैं एक महिला हूं लेकिन मैं माल नहीं हूं। अब शाइना एनसी पर की गई एक टिप्पणी पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनी हुई। इस विवादित बयान को लेकर शाइना ने नागपाड़ा थाने में सांसद के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, जिसके बाद अरविंद सावंत को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बिना शर्त शाइना एनसी से माफी मांगी और यहां तक कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। पिछले एक दिन से बड़ा माहौल भारतवर्ष में मचाया जा रहा है कि अरविंद सावंत जी ने किसी महिलाओं का अवमान किया। जिंदगी में नहीं किया, 55 साल राजनीति में हूं, अगर हुआ तो मैं उल्टा अग्रणी रहा हूं उनको सम्मानित करने में, उसके मैं उदाहरण बहुत कुछ दे सकता हूं कैसे मैं अग्रणी रहा हूं। लेकिन दूसरी तरफ मैं इतना ही कह सकता हूं, जिस तरह से जो वक्तव्य हुआ वो वक्तव्य को उसका अलग अर्थ लगाकर जानबूझकर मुझे टारगेट किया जा रहा है वो मुझे खेद लगता है, दुख लगता है। लेकिन फिर भी मेरे वक्तव्य से किसी को मन को ठेस पहुंची होगी तो मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं। माल वाले बयान पर अरविंद सावंत ने माफी भले ही मांग ली है, लेकिन शाइना इतने से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने पूछा है कि महिलाओं के हक की बात करने वाले महाविकास आघाड़ी का स्टैंड क्या है, क्योंकि एक तरफ अरविंद सावंत माफी मांगते हैं तो दूसरी तरफ संजय राउत उनके बयान को सही ठहराते हैं। एक महिला जो राजनीति में है 20 साल से, मैंने कभी कोई कॉन्ट्रोवर्सी, कोई लालचन, कोई टिप्पणी, कोई FIR तक नहीं दर्ज किया है, लेकिन जब आप मुझे ऐसे डिसमिस करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुंहतोड़ जवाब मिला है, इसलिए शायद आपने आज 30 घंटे बाद माफी मांगी। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि अरविंद सावंत माफी मांग रहे हैं
और संजय राउत बोल रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। तो क्या है ऑफिशियल स्टैंड महाविनाश आघाड़ी का, क्या है ऑफिशियल स्टैंड नाना पटोले, शरद पवार, उद्धव ठाकरे का, क्या है ऑफिशियल स्टैंड संजय राउत का खुद? पूरा मामला एक महिला नेता पर विवादित बयानबाजी से जुड़ा है, जिसे महायुति ने मुद्दा बना लिया है। मुंबा देवी में शाइना के लिए महिलाएं उम्मीद की किरण हैं, इसलिए ताजे बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़कर विपक्ष पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि इस बार के चुनाव में इसका कितना नफा नुकसान होगा, इसका पता तो नतीजों के बाद चलेगा, लेकिन विवादित बयानबाजी खेल बना सकती है तो खराब करने में भी समय नहीं लगाती, और राजनीतिक दल इसे अच्छे से समझते हैं। मुंबई से इंद्रजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।